जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदी गृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदी गृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना गाकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, तो आप लोग दिल से गाने में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 26, यीशु है सच्चा गडरिया। गीत क्रमांक 26, यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हम गोले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते है। वादी पहाड़ी में हम गोले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में
हमें चराता है। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 21 गाते हैं बजाते हैं। गीत क्रमांक 21 गाते हैं बजाते हैं। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया जिसने तुमको बनाया जिसने सबको बनाया वह परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते यारो यीशु को तुम अपनाओ पापों से माफी तो मांगो हमारे साथ तुम भी ये गाओ। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 10 बजा के ताली गाओ रे। गीत क्रमांक 10 बजा के ताली गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे यीशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से गाड़ोड़ी का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे यीशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से गाड़ोड़ी का गाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। बजा के ताली गाओ रे यीशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से गाने का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे यीशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से गाने का गाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। भूमि के ही नींव सारे हर समय बने सने भूमि के ही नींव सारे हर समय बने सने सकल गगन यीशु के गा के गुण बता रहे सकल गगन यीशु के गा के गुण बता रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। बजा के ताली गाओ रे यीशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से गाने का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे यीशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से गाने का गाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया।
लहरो समा नहीं झिल मिल कर गाए हम, लहरो समा नहीं झिल मिल कर गाए हम, यीशु के संदेश को आओ फैलाए हम, यीशु के संदेश को आओ फैलाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से गारुणी का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से गारुणी का गाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। ले सितार हाथ में गाए गानुनी का हम, ले सितार हाथ में गाए गानुनी का हम, दिल दिल में आ बसे धन्य धन्य यीशु है, दिल दिल में आ बसे धन्य धन्य यीशु है। हालेलुया 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 हालेलुया। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से गारुणी का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से गारुणी का गाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 32, पहले तो ये दुनिया रची। गीत क्रमांक 32, पहले तो ये दुनिया रची। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां, तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहां। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरे सिवा कोई पाले न हमें, तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता चले, तू ही करे वो जला राह में, जहाँ जहाँ जाए प्रभु तेरा नाम ले। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तूने प्रभु जो दिखाई है हमें, सत्य की तरफ वो जाती डगर, इतनी दुआ है तुझसे प्रभु,
हम सब लोगों पर तू रखना नजर, पहले तो ये दुनिया रची फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया प्रभु दिया उसे वरदान, पहले तो ये दुनिया रची फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया प्रभु दिया उसे वरदान, प्रभु दिया उसे वरदान, प्रभु दिया उसे वरदान। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 23 पिता तेरी वंदना, गीत क्रमांक 23 पिता तेरी वंदना। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते 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 हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 84 तू प्यार का सागर, गीत क्रमांक 84 तू प्यार का सागर। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना
अपना पाएगा, गहराई तेरे प्यार की पर कोई ना अपना पाएगा, गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 79, मेरे गुनाहों के लिए। गीत क्रमांक 79, मेरे गुनाह के लिए। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबू की मार से कुछ न दिया मैंने, कुछ न दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबू की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चल के सलीब पे कर्जा किया तूने मेरा सा, काटो और कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चल के सलीब पे कर्जा किया तूने मेरा सा, काटो और कीलों से। फिर भी ना कम हुआ प्यार तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। फिर भी ना कम हुआ प्यार तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मरते हुए माफ करते गया जुल्म और सितम मेरे, मेरे लिए तूने खाई सदा दुनिया की ठोकर। मरते हुए माफ करते गया जुल्म और सितम मेरे,
मेरे लिए तूने खाई सदा दुनिया की ठोकरें। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह के लिए तूने सजा चाबू की मार से। कुछ न दिया मैंने, कुछ न दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह के लिए तूने सजा चाबुक की मार से। कुछ न दिया मैंने, कुछ न दिया बदले में प्यार के, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 88, मुक्ति दिलाए येशु नाम। गीत क्रमांक 88, मुक्ति दिलाए येशु नाम। मुक्ति दिलाए येशु नाम, शांति दिलाए येशु नाम, शांति दिलाए येशु नाम। मुक्ति दिलाए येशु नाम, शांति दिलाए येशु नाम, शांति दिलाए येशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरणी में तूने जन्म लिया प्रभु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए येशु नाम, शांति दिलाए येशु नाम, शांति दिलाए येशु नाम। येशु दया का गहरा सागर, येशु दया का गहरा सागर, येशु है दाता महान, येशु है दाता महान, येशु है दाता महान। दिलाए येशु नाम, शांति दिलाए येशु नाम, शांति दिलाए येशु नाम। हम पर भी येशु कृपा करना, हम पर भी येशु कृपा करना, हम है पापी निकार, हम है पापी निकार, हम है पापी निकार। मुक्ति दिलाए येशु नाम, शांति दिलाए येशु नाम, शांति दिलाए येशु नाम। मुक्ति दिलाए येशु नाम, शांति दिलाए येशु नाम, शांति दिलाए येशु नाम, शांति दिलाए येशु नाम, शांति दिलाए येशु नाम।
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश हालेलुया 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 जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग उ हमें चलावे उहे हमें राखे हमरे गरजिया के उहे पूरा करे उ हमें चलावे उहे हमें राखे हमरे गरजिया के उहे पूरा करे जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग भारी विपतिया में जी घबराए तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे भारी विपतिया में जी घबराए तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग हमरा के कवनो भय अब नहीं के जीवन के प्रभु यीशु हवे संग संग हमरा के कवनो भय अब नहीं के जीवन के प्रभु यीशु हवे संग संग जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 गीत क्रमांक 22 जय जय प्रभु यीशु की गीत क्रमांक 22 जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो गाओ खुशी के गीत ये धरती आकाश आया मसीहा जगत में पाप का करने नाश खून की धारा बहती सुली से जिसमें धुले सब पाप बोलो अब तुम अपने हृदय को जिसमें रहे नादान जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो हालेलुया हो साना ला 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 हालेलुया आमीन ग्रहण करो आज प्रभु को प्रेम की बहती दार उसको बना लो सेवन हार नाव लगा लो पार जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो हालेलुया ओ साना ला 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 ला
पास आता तेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा तेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया हो साना ला 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 ला, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा शिष्यत में, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवेगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवेगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु के सामर्थ्य से मेरी विपत्ति सारी नाश होवेगी। मेरे प्रभु के सामर्थ्य से मेरी विपत्ति सारी नाश होवेगी। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल ही पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल ही पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे घर और मेरे सब लोगों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरे घर और मेरे सब लोगों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरी भलाई सदा होती रहेगी,
बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मन हो गइल मगन, अबे सोचो जो बासे बाहर, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मन हो गइल मगन, अबे सोचो जो बासे बाहर, बहुते आनंद हो, प्यार से कैलन स्वीकार अयोग्य हम पापी के, प्यार से कैलन स्वीकार अयोग्य हम पापी के, पाप की गहराई से हमें निकालन हो, हो, हो। बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मन हो गइल मगन, अबे सोचो जो बासे बाहर, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मन हो गइल मगन, अबे सोचो जो बासे बाहर, बहुते आनंद हो। तेजी से दावत रहनी बहुते विनाश कियो, तेजी से दावत रहनी बहुते विनाश कियो, हमें बुलावे प्रभु दिखावे लन अपन प्यार हो, हो। बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मन हो गइल मगन, अबे सोचो जो बासे बाहर, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मन हो गइल मगन, अबे सोचो जो बासे बाहर, बहुते आनंद हो। आपन वाणी सुन के मौका हमें देवा का, आपन वाणी सुन के मौका हमें देवा का, दिल सहारा खातिर जीव हो चला आधिर हो, हो। बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मन हो गइल मगन, अबे सोचो जो बासे बाहर, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मन हो गइल मगन, अबे सोचो जो बासे बाहर, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मन हो गइल मगन, अबे सोचो जो बासे बाहर, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मन हो गइल मगन, अबे सोचो जो बासे बाहर, बहुते आनंद हो।
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 गीत क्रमांक 101 कहता है दिल मेरा गीत क्रमांक 101 कहता है दिल मेरा कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु तूने चुना एक निर्बल को तूने चुना एक निर्बल को कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु तूने दिया जीवन नया तूने दिया जीवन नया लाखों पर धन्यवाद मेरे प्रभु लाखों पर धन्यवाद मेरे प्रभु कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 गीत क्रमांक 3 विजय हुआ गीत क्रमांक 3 विजय हुआ विजय हुआ विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ विजय हुआ विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ विजय हुआ विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ विजय हुआ विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा विजयी हुआ हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा विजयी हुआ शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजयी हुआ शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजयी हुआ विजय हुआ विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ विजय हुआ विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ
शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निश्चय हमारा हमें जय देने वाला। यहोवा निश्चय हमारा हमें जय देने वाला। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। मेरा यीशु विजय हुआ। मेरा यीशु विजय हुआ। मेरा यीशु विजय हुआ। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी हम उस महान प्रभु की स्तुति और आराधना करने वाले हैं, इसलिए आप सभी इस स्तुति और आराधना में भाग लो। हालेलुया 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 हालेलुया। हां मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दिल से पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद। उसकी महिमा करो। देखो आज फिर से एक बार उसने हम पर उसका अनुग्रह किया। हाँ, और यह घड़ी उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए हमें दी है। धन्यवाद। इस सुंदर क्षण के बदले, इस दिन के बदले पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तेरा प्यार महान है। तूने हम पर फिर से एक बार महान दया की कि हम तेरे प्यार को याद करके तुझे धन्यवाद दे, इसलिए तेरे चरणों के पास तूने हमें इकट्ठा किया है। धन्यवाद। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, बाहु की मेरी आत्मा, प्रणाम हे प्रभु। तू मेरा परमात्मा, मेरी आत्मा, प्रणाम हे प्रभु।
हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद हाँ, तेरी महिमा करते हैं, महिमा करते क्योंकि तेरा प्यार महान है हाँ, तू सच में महान है हाँ, तूने हम पर बहुत बड़ा प्रेम किया है हाँ, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं पिता, कि हमें बनाने से पहले हमें लगने वाली हर एक जरूरत को तूने इस विश्व में निर्माण किया, तू केवल शब्द बोला और तेरे शब्द के द्वारा ये पूरा विश्व निर्माण हो गया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। हमें उजियाला मिले इसने तूने सूरज और चांद तारों की निर्मिति की हाँ, तू हमें हर साल बारिश का पानी देता है, शुद्ध हवा देता है हाँ, ये पेड़ पौधे फल फूल तूने हमारे लिए बनाए हैं हाँ पिता, हाँ पिता तूने हमारे लिए समुन्दर को बनाया और समुन्दर में विविध प्रकार के मछलियों को तूने हमारे लिए बनाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, ये सब कुछ तेरे शब्द के द्वारा निर्माण हो गया है हाँ पिता, तूने हमें तेरे पवित्र हाथों से बनाया, यह एक अच्छा शरीर देकर तूने हमें आशीष किया है कि हमारे जीवन को तूने आशीषों से भर दिया हाँ पिता, तेरे द्वारा आज हमारे जीवन में सच्चा आनंद हाँ, है हाँ, तूने हमें अंधकार से बाहर निकाला, स्वर्ग से महान अनुग्रह हम पर किया और तेरे प्रिय पुत्र के राज्य में तूने हमें लाया पिता, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, तू हमारा सच्चा पिता है, सच्चा पिता है, तू हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, ऊंचा उठाते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारा।
दिल से पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद, उसकी स्तुति करो। देखो वह पिता हम पर बहुत प्यार करता है, हमारे हम पर के प्यार के खातिर उसने उसका इकलौता पुत्र हमारे लिए इस धरती पर भेजा। धन्यवाद, दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। हाँ प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तेरे द्वारा आज हमारा जीवन बदल गया है। हाँ प्रभु, हमें जीवन देने के लिए, हमें आशीषित करने के लिए, हमें उस शैतान के बंधन से मुक्त करने के लिए तो स्वर्ग का सारा वैभव छोड़कर हमारे लिए इस दुनिया में आया। हम जैसे पापियों के बीच में तू रहा, हाँ, और हमें जो पापों की सजा होने वाली थी वो सारी पापों की सजा तूने ली प्रभु। हाँ प्रभु, हाँ, प्रभु यीशु, हमें जो दंड होने वाला था वो हमारे पापों का सारा दंड तूने खुद के ऊपर ले लिया। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु यीशु, तेरे उस महान बलिदान के द्वारा ही आज हमारे जीवन में मुक्ति आई है। हाँ प्रभु, तूने हमारे लिए चाबू के फटके खाए। हाँ प्रभु यीशु, हमारे लिए तेरे सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। हाँ प्रभु, तू हमारे लिए लहूलुहान हो गया। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि उस क्रूस पर तूने हमारे लिए खुद का बलिदान दिया। तेरे महान बलिदान के द्वारा आज हमारे जीवन में आशीष आए हैं। हाँ प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम तेरी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। तू ही हमारा प्रभु है, प्रभु है। तू ही हमारा उद्धार करता है, उद्धार करता है। तूने हमारे लिए क्रूस पर खुद का बलिदान दिया तेरे इस महान प्यार के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हम तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। मन मेरे तू बोल
हाँ प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू महान है, तू महान हाँ प्रभु, तेरे द्वारा आज हमारे जीवन में चंगाई है। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, पहले हमारा जीवन अंधकार से भरा हुआ था, हाँ प्रभु, दुखों से और बीमारियों से भरा हुआ हाँ था, परंतु तेरे द्वारा तू हमारे जीवन में आया हाँ और हमारे पूरे जीवन को तूने बदल दिया। आज हमारे जीवन में चंगाई है हाँ, केवल तेरे द्वारा हाँ प्रभु, तेरे नाम के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। तेरे अद्भुत सामर्थ्य के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरे सामर्थ्य के द्वारा तूने हमारे जीवन के सारे शैतान के बंधन को तोड़ दिया है हाँ, प्रभु, और हमारे जीवन को तूने आशीषित किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए तेरा स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, उठाते हैं। तू हमारा सच्चा गडरिया है, हाँ तू हमारा उद्धार करता है, तू ही हमारा मालिक है, मालिक तू ही हमारा स्वामी है, स्वामी है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्ति बोलेगा, मुक्ति बोलेगा, भक्ति बोलेगा, मुक्ति बोलेगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति बोलेगा, शक्ति बोलेगा, शांति बोलेगा, शक्ति बोलेगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। और अभी शांत होकर अपना पूरा दिल उस पिता की ओर लगाओ। देखो वह हमारा परमेश्वर हाँ, वो जो स्वर्ग में विराजमान है हाँ, पिता अगम्य ज्योति में रहने वाला वह पिता हाँ, पिता वो सामर्थ्य से भरा हुआ है, धन्यवाद, वो प्रकाश से भरा हुआ है, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, वही स्तुति के योग्य है हाँ, पिता, पूरे दिल से उसकी आराधना आराधना करते हैं, पूरे हृदय से उसकी उपासना करते हैं। उसकी इच्छा है कि हम उसकी आत्मा से और सच्चाई से आराधना करें हाँ, पिता, इसलिए अपना पूरा दिल, अपना पूरा मन उसकी ओर लगाकर सच्चे दिल से
उस हमारे पिता की आराधना करो, आराधना करो, दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, धन्यवाद प्रभु यीशु की उपासना करो, उपासना, क्योंकि वो ही हमारा मार्ग है, हाँ वो ही जीवन है, हाँ पिता वो ही सच्चाई है, हाँ पिता प्रभु, दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, धन्यवाद, उसी के द्वारा हमारे जीवन में कृपा आई, हाँ, उसी के द्वारा हमारे जीवन में पापों की क्षमा आई, धन्यवाद, उसने हमें अनंत जीवन दिया है, हाँ प्रभु यीशु, दिल से प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखो वह प्रभु यीशु, वो हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान उसने किया, हाँ वो हमारे लिए उस क्रूस पर मर गया, हाँ लेकिन महिमा के साथ वो तीसरे दिन जीवित हो गया, धन्यवाद प्रभु, वो प्रभु यीशु आज भी जीवित है, हाँ वो और उसके पास मांगने वालों को वो उसके पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है, धन्यवाद प्रभु। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों,
अपने दिल को खोलकर उस पिता के पास उसका पवित्र आत्मा मांगो। हाँ प्रभु, दिल से अपने पिता के पास उसके पवित्र आत्मा मांगो। आ पवित्र आत्मा, 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 हमें तेरे शांति से भर दे, शांति से भर दे, हमें तेरे आनंद से भर दे, आनंद से भर दे, तेरे प्रेम से हमें भर दे, प्रेम से हमें भर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हमारे दिल में आ जा, हमारे दिल में, हमारे मन में आ जा, हमारे मन में आ जा। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। कृपा तेरी।
स्तुति आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो उसे खोल दीजिए। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33 और 34। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33 और 34 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वहां उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर था, वो इसराइल देश में था और वहां पर वो गांव गांव में जाकर, नगर नगर में जाकर लोगों के बीच में बड़े अद्भुत काम दिखाता था और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों को बताता था। अभी हमने जो वचन पढ़े वे तब के वचन है जो जब प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में इसराइल देश में मौजूद था। इस वचन के पहले ऐसा लिखा गया है कि प्रभु यीशु के चेले बहुत जगह गए थे, प्रभु ने उनको अधिकार देकर भेजा था कि जैसे काम प्रभु खुद कर रहा है, जैसे अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार प्रभु खुद दिखा रहा था, वही दिखाने का अधिकार प्रभु ने चेलों को दिया और उनको दूसरी जगह पर वही काम करने के लिए भेजा। चेले गए और उन्होंने जैसा प्रभु ने उनको आज्ञा दिया था वैसा काम किया और वे वापस प्रभु के पास आ गए। वे प्रभु के पास आने के बाद प्रभु को सारी बातें बताने लगे कि वे कहां कहां गए, क्या क्या हो गया। जब ही चेले प्रभु को सारी बात बता रहे थे तभी प्रभु ने उन्हें देखकर ये कहा कि चलो हम कहीं सुनसान जगह पर चले जाए ताकि तुम लोग वहां थोड़े समय के लिए आराम कर पाओगे और कुछ खा भी सकते हो, क्योंकि चेले बहुत थके हुए थे। प्रभु का काम करके वे वापिस आए थे और जहां पर वे थे वहां बहुत सारे लोग बार बार आ रहे थे, लोग चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, ठीक होने के लिए वहां हमेशा लगे रहते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु ने चेलों को ये कहा कि हम किसी सुनसान जगह पर चले जाए ताकि तुम वहां पर विश्राम कर पाओगे और साथ ही साथ खाना भी खा पाओगे। और प्रभु यीशु अपने चेलों को लेकर नाव में चला इसीलिए कि सुनसान जगह पर चले जाए। पर इस वचन में हमने ऐसा पढ़ा कि लोगों ने उनको जाते हुए देखा, प्रभु अपने चेलों के साथ कहां जा रहा है वहां के लोगों ने देखा और प्रभु के उस पार पहुंचने के पहले ही लोग पैदल पैदल जाकर वहां पर पहुंच गए। प्रभु अपने चेलों के साथ नाव में जा रहा था, लोग पहले ही पैदल चलकर वहां पहुंच गए और जब प्रभु उस किनारे पर उतर गया उसने देखा कि यहां तो पहले ही लोग आकर रुके हुए हैं। एक बड़ी भीड़, लोगों की एक बड़ी संख्या वहां पर मौजूद थी और जब प्रभु ने उनको देखा, वचन कहता है कि प्रभु को उनको बड़ा तरस आ गया, प्रभु का दिल करुणा से भर गया, तरस से भर गया, क्योंकि वे सारे लोग उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो और प्रभु उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीहा
इंसान के रूप में धरती पर आया था, तब दुनिया की हालत ऐसी थी कि सारी मनुष्य जाति शैतान के हाथ से दुख उठा रही थी। पाप की वजह से मनुष्य शैतान का गुलाम बन चुका था, शैतान उसका अधिकारी बन चुका था और मनुष्य अपने इस दुष्ट अधिकारी के हाथ से बड़ा दुख उठा रहा था। जब प्रभु इज़राइल देश में था, उसने लोगों की हालत देखी कि लोग कितने परेशानी में है, कितने दर्द में तड़प रहे हैं, कैसे आंसू बहा रहे हैं, कैसे बीमारी में है, कैसे दुख में है। प्रभु जब इंसान के रूप में धरती पर आया, तब उसने बड़ी नजदीक से मनुष्य के जीवन का दुख देखा, कैसे लोग अपने दर्द भरी जिंदगी को बिता रहे थे, प्रभु ने बड़ी नजदीक से देखा। यहाँ पर हमने जो वचन पढ़ा कि प्रभु को उन लोगों के ऊपर तरस आ गया, ये बाइबल में एक बार नहीं बल्कि कई बार लिखा गया है। प्रभु ने जब दुखी लोगों को देखा, बीमार लोगों को देखा, दर्द भरे लोगों को देखा, तब प्रभु का दिल बड़े करुणा से भर गया था। प्रभु को उन लोगों के ऊपर बड़ा तरस आता था। अभी यहाँ पर भी वही हो गया, जब लोग प्रभु को और उसके चेलों को जाते हुए देख रहे थे, तब उन्होंने जान लिया कि वे कहाँ जा रहे हैं। प्रभु अपने चेलों के साथ कहाँ जा रहा है, लोगों ने पहचान लिया और प्रभु के पहुँचने के पहले लोग पैदल पैदल दौड़ते दौड़ते वहाँ पर गए और पहले ही जाके रुक गए प्रभु के लिए, उसका इंतजार करते हुए लोग रुक गए। और इसीलिए वचन कहता है कि प्रभु को वो सारी भीड़ देखकर बड़ा तरस आ गया, उसका दिल उनके लिए एक बड़ी करुणा से भर गया, क्योंकि वे सारे लोग उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों लोग रो रहे हैं, क्यों लोग परेशानी में है, क्यों लोगों के जीवन में निराशा है, क्यों लोग डर गए हैं, क्यों लोग अपने जीवन में तंग हो चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन में वजह बता दी है, वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। दुनिया के लोगों की हालत ऐसी है, ऐसे भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला न हो। ऐसी भेड़ें जिनका कोई रखवाला नहीं होता है, उनकी हालत क्या हो जाती है? एक भेड़ ये जानवर क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं, एक साधारण जानवर होता है, बिल्कुल साधारण और एकदम सादा भोला बोलते हैं, ऐसा वो जानवर होता है। यह भेड़ यदि उसका कोई रखवाला ना हो तो उसकी हालत क्या हो जाएगी? वो जंगल में घूमने के लिए जाएगा, कोई भी जंगली जानवर या भेड़िया आकर उसको फाड़कर खा डालेगी। एक भेड़ जिसका कोई रखवाला न हो, यदि वो ऐसे ही जंगल में घूमना शुरू करेगी, उसे कोई भी फाड़कर खा डालेगा, उसे तुरंत कुछ उसके ऊपर कुछ कोई ना कोई जंगली जानवर हमला करेगा। प्रभु के द्वारा इस लोगों के ऊपर जो अनुग्रह किया गया, प्रभु के दिल में उनके लिए जो तरस भर कर आ गया, वो इसीलिए आ गया। वचन कहता है कि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। जैसे एक भेड़ जो बिना रखवाले की है, बिना गडरिया की है, उसे कोई भी जंगली जानवर आके फाड़ के खा डालता है, कोई भी डराता है, और ऐसी भेड़ जिसका रखवाला ना हो, वो हमेशा डरी डरी रहती है। वो आसपास देखती है, शायद अभी कोई मुझ पर हमला करेगा, यहाँ से कोई जंगली जानवर आएगा, यहाँ से कोई आएगा, वहाँ से कोई भेड़िया आएगी। वो हमेशा डरे हुए रहते हैं क्योंकि उनका कोई रखवाला नहीं होता है। पर ऐसे भेड़े जो अपने झुंड में अपने रखवाले के साथ रहते हैं, वे बड़े आराम से रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमारे साथ हमारा गडरिया है, हमारा रखवाला है, वो हमें ठीक जगह पर खाना खाने के लिए लेके जाएगा। गडरिया जानता है कि मेरे भेड़ों के लिए घास कहाँ पर है, कहाँ पे उनको लेके जाना है, कहाँ पे उनको पानी पिलाना है, कैसे उनकी सुधी लेना है, कैसे उनकी परवाह करना है, कैसे उनकी रक्षा करना है। एक अच्छा गडरिया ये सारी बातों को जानता है। इसलिए जो भेड़ ऐसे झुंड में रहती है जिनका रखवाला होता है, वो भेड़ एकदम बिंदास्त होती है।
आराम से रहती है, उसे अपने खाने पीने की कोई चिंता नहीं होती है, उसे अपने सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि ये भेड़ को पता है कि मेरा गडरिया मेरे खाने की पीने की सारी व्यवस्था करेगा, साथ ही साथ मेरी सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था वही करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोगों को ऐसे भेड़ों की उपमा दी गई है जिनका कोई भी रखवाला ना हो। सचमुच आज मनुष्य की हालत बिल्कुल ऐसी ही हो गई है कि हमारा कोई रखवाला है नहीं, हमारा कोई गडरिया है नहीं, हमें चराने वाला कोई है नहीं, हमारी सुधी लेने वाला कोई है नहीं, हमारी रक्षा करने वाला कोई है नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोगों की हालत ऐसी हो गई है, जब प्रभु धरती पर था तभी का ये वचन है, आज भी हालत वही है। दुनिया के लोगों की हालत ऐसी है कि वे उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है। कोई भी आकर उन्हें डराता है, कोई भी आकर उन्हें परेशान करता है। ये लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं। दुनिया के लोग क्यों डरे हुए रहते हैं, क्यों हर चीज से डरते हैं, क्यों बार बार निराश हो जाते हैं, क्यों दिन रात चिंतित होते हैं, क्यों दिन रात परेशान रहते हैं, और आखिर कोई तो जंगली जानवर आके उनको फाड़ के खा डालता है। यही तो आज दुनिया में चल रहा है। मनुष्य चिंता से भरा हुआ है, परेशान है, दुख में है, दर्द में है, बीमारी में है, और हमारे आसपास बहुत सारी भेड़िया है जो भेड़ों को फाड़कर खा डाल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने बारे में ये बताया था कि वो एक अच्छा गडरिया है, वो एक सच्चा गडरिया है। वो जानता है कि अपने भेड़ों की जरूरत क्या है, वो जानता है कि मेरे भेड़ों के लिए क्या जरूरी है, वो ये भी जानता है कि मेरे भेड़ों की सुरक्षा कैसी करनी है। इसलिए उसने अपने बारे में ये कहा था कि मैं ही एक उत्तम चरवाहा हूँ, मैं एक अच्छा गडरिया हूँ, और मैं इतना अच्छा गडरिया हूँ कि मैं अपने भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए अपने प्राण को भी दे देता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के लोग ऐसे भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं हो, जिनका कोई चरवाहा नहीं हो। प्रभु यीशु ने जब एक बड़ी भीड़ को देखा जो भीड़ उसका पीछा करते करते दौड़ते दौड़ते उसके पीछे आ गई, क्यों लोग बार बार उसके पीछे जा रहे थे, क्यों लोग बार बार प्रभु को ढूंढ रहे थे, क्यों लोग बार बार यीशु के पास आ रहे थे। वो कहीं भी हो, जंगल में हो, लोग वहां पे जाते थे, वो किसी पहाड़ी पर हो, लोग वहां पर जाते थे, वो किसी खेत में हो, लोग उसे ढूंढते वहां जाते थे, वो किसी समुंदर के किनारे पे हो, लोग वहां पर भी जाते थे। प्रभु कहीं पर भी क्यों ना हो, रास्ते पर, जंगल पर, पहाड़ी पर, समुंदर के किनारे, खेत में, किसी भी गांव में, किसी भी नगर में, कहीं पर भी प्रभु क्यों ना हो, लोग उसके पीछे पीछे हो लेते थे। वजह ये थी कि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई भी रखवाला नहीं हो। प्रभु को उनके ऊपर बड़ा तरस आ गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर, इतनी बड़ी आत्माओं को देखकर प्रभु को बड़ा तरस आ गया, और वचन आगे कहता है वो उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगा, वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। आज दुनिया के लोगों की हालत ऐसी हो चुकी है क्योंकि उनका कोई रखवाला नहीं है। दुनिया के लोगों का विनाश हो रहा है। वजह यह है क्योंकि उन्हें परमेश्वर के बारे में, अपने सच्चे सृष्टिकर्ता के बारे में, अपने चरवाहे के बारे में, अपने रखवाले के बारे में सच्चा ज्ञान नहीं है। इसलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने ऐसा बताया था कि अज्ञान के कारण मेरे लोगों का विनाश हो रहा है, अज्ञान के कारण मेरे लोगों का विनाश हो रहा है। ये सच बात है। दुनिया के लोगों की हालत ऐसी क्यों हो गई है, क्योंकि लोगों के पास सच्चा ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? मैं दुनिया के ज्ञान की बात नहीं कर रही हूं, और ना ही ये वचन दुनिया के ज्ञान की बात कर रहा है।
जब यहाँ पर लिखा गया है कि प्रभु को उन पर तरस आ गया और तरस से भरकर वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा, तब वो क्या सिखा रहा था? वो दुनिया की बातें नहीं सिखा रहा था, वो उन्हें जीवन की बातें सिखा रहा था, वो उन्हें स्वर्ग की बातें बता रहा था, वो उन्हें परमेश्वर की बातें सिखा रहा था। आज मनुष्य के पास जो भी ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान, बहुत ज्ञान दुनिया में भरा हुआ है और लोगों ने, कितने सारे लोगों ने दुनिया के ज्ञान को हासिल कर दिया है, पर इस ज्ञान में जीवन की बातें नहीं है, उस ज्ञान में परमेश्वर की बातें नहीं है, उस ज्ञान में स्वर्ग की बातें नहीं है। प्रभु यीशु अपने पास आए हुए लोगों को ज्ञान दे रहा था, उनको सिखा रहा था और उसकी शिक्षा दुनिया की शिक्षा नहीं थी, उसकी बातें दुनिया की बातें नहीं थी, वो उन्हें जीवन की बातें सिखा रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरीके से एक कोई अनपढ़ व्यक्ति होता है जो पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके पास जाकर बड़ी आसानी से उसको फंसा सकता है। अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ना लिखना थोड़ा भी नहीं जानता है, पढ़ा लिखा मनुष्य उसके पास जाकर बड़ी आसानी से उसको फंसाता है। और ये अनपढ़ मनुष्य जानता भी है कि मुझे पढ़ने लिखने नहीं आता है, इसीलिए मैं हर बार फंस जाता हूँ। ये तो सांसारिक ज्ञान की बात हो गई, पर आत्मिक ज्ञान के बारे में भी वही हो जाता है। आज दुनिया के लोगों के पास आत्मा का ज्ञान नहीं है, जीवन का ज्ञान नहीं है, और इसीलिए शैतान तरह तरह के रास्तों से लोगों को फंसा रहा है। जीवन की बातें हमारे पास है नहीं, जीवन का ज्ञान हमारे पास है नहीं, और इसीलिए कोई भी आकर हमें डराता है, कोई भी आकर हमें फंसाता है, कोई भी आकर हमारा नुकसान करता है, और आखिर वो दुष्ट शैतान लोगों की आत्मा का हमेशा के लिए विनाश कर देता है अज्ञान के कारण। परमेश्वर ने कहा था कि अज्ञान के कारण मेरे लोगों का विनाश हो रहा है। ये अज्ञान आत्मा का ज्ञान है, ये अज्ञान जीवन के बारे में है। लोग जीवन के बारे में सच्चाई को जानते नहीं है। हम एक दिन दुख उठाते हैं, दूसरे दिन हंसते हैं, तीसरे दिन दुख उठाते हैं, चौथे दिन हंसते हैं। सालों साल हमारे जीवन में ये शुरू रहता है। कितने सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे जीवन में हमने खुशी का समय बहुत ही थोड़ा देखा है और दर्द का समय बहुत ज्यादा देखा है। कितने सारे लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी खुशी का समय आया ही नहीं है, हम हमेशा दुख में जी रहे हैं। बचपन से लेकर बूढ़े होने तक हमने अपने जिंदगी में बस दुख ही दुख देखा है। कितने सारे लोग कहते हैं कि हमारे परिवार में एक परेशानी आती है, वो खत्म होने से पहले दूसरी परेशानी आती है, वो खत्म होने से पहले तीसरी परेशानी शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ हमेशा शुरू रहता है। हमारे जीवन में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, क्यों नहीं है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज दुनिया सांसारिक ज्ञान से इतनी भरी हुई है तो भी लोगों के जीवन में हंसी क्यों नहीं है? लोगों के जीवन में सच्ची शांति क्यों नहीं है? क्यों बीमारियां बढ़ते जा रही है? क्यों परेशानियां बढ़ते जा रही है? क्यों लोग खुदकुशी कर रहे हैं? क्यों लोग अपने जीवन में डर रहे हैं? और कितने सारे लोग बस डर के कारण मरते जा रहे हैं। डर एक ऐसी भयानक बात है जिसने एक बार मनुष्य के दिल का कब्जा ले लिया कि ये भयानक डर मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। डर आज दुनिया में चारों तरफ देखो, डर है, डर है और डर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोग डरते जा रहे हैं। वजह यह है कि हमारे पास आत्मा का ज्ञान नहीं है। प्रभु यीशु ने जब उस भीड़ को देखा, वचन कहता है उसको तरस आ गया, क्योंकि इनका कोई रखवाला नहीं है, इन्हें बताने वाला, इन्हें सिखाने वाला, इन्हें जीवन की बातें सिखाने वाला, आत्मा का ज्ञान देने वाला कोई है नहीं। ये उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है, और इसीलिए प्रभु जो सच्चा रखवाला है, जो सच्चा चरवाहा है, उसने उनको आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया।
वो उनको बहुत सारी बातें बताने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मनुष्य के पास आत्मा का ज्ञान आता है, जब मनुष्य जीवन की बातें जान जाता है, तभी उसका जीवन सच्ची खुशी से और सच्ची शांति से भर जाना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि एक मनुष्य ऑफिस में जाता है, वहां रिश्वत लेता है, और जब वो घर पे आता है तब देखता है औरत बीमार हो गई है, वो उसके इलाज के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा करता है, कैसे तैसे वो ठीक हो जाती है। दूसरे दिन लड़का बीमार हो जाता है, तो बहुत दिन तक लड़के की बीमारी चलते रहती है, किसी तरीके से बहुत खर्चा करके वो ठीक हो जाता है, वो ठीक होते होते लड़की बीमार हो जाती है, एक के बाद दूसरी बीमारी, दूसरे के बाद तीसरा बीमार, एक के बाद एक शुरू रहता है। ये मनुष्य बड़ा परेशान हो जाता है कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी औरत बीमार थी, उसके इलाज के लिए इतना सारा पैसा खर्चा हो गया, अभी बेटा बीमार हो गया, उसके इलाज के लिए इतना सारा खर्चा हो गया, अभी बेटी बीमार हो गई, उसके इलाज के लिए पैसा जा रहा है, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। क्योंकि वो जीवन की बात नहीं जानता है, वो जहां ऑफिस में जाता है, काम करता है, रिश्वत लेता है, वो नहीं जानता है कि वो जो रिश्वत का पैसा अपने हाथ में लेता है, वो पैसा नहीं होता है बल्कि श्राप होते हैं। वो अपने घर पे पैसा लेकर नहीं आता है बल्कि श्राप लेकर आता है। रिश्वत लेना ये परमेश्वर की नजर में एक बड़ा पाप है। शैतान ने लोगों को ये कहकर फंसा दिया है कि रिश्वत लेने से तुम्हारा बड़ा फायदा हो जाएगा, तुम बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। पर ये मनुष्य जीवन की बात नहीं जानता है कि ये रिश्वत लेना परमेश्वर की नजर में एक बड़ा पाप है। मैं अपने बैग में पैसा नहीं रख रहा हूँ बल्कि श्राप रख रहा हूँ। मैं अपने घर पे पैसा नहीं लेकर जा रहा हूँ, श्राप लेकर जा रहा हूँ। रिश्वत का पैसा घर पे आने के बाद शांति से नहीं रह सकता है। पर जब ये मनुष्य प्रभु यीशु के पास आता है, सच्चाई को जानता है, आत्मा की बात को, जीवन की बात को परमेश्वर के वचनों के द्वारा पहचानता है और रिश्वत लेना बंद करता है, उसके बाद से उसके घर की बीमारियां खत्म हो जाती है और तब उसके जीवन में और उसके परिवार में भी सच्चा आनंद आना शुरू हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोग एक दूसरों का बदला लेते हैं। उसने मुझे सताया, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरा नुकसान किया, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरा अपमान किया, मैं नहीं छोड़ूंगा। बदला, कोर्ट में केस डालो, नहीं तो दूसरे तरीके से, किसी टेढ़े रास्ते से उसका बदला लेने की कोशिश की जाती है। आप दूसरों का बदला लेते हैं, नतीजा क्या होता है? जब आपको कोई परेशान करता है या कोई आपका नुकसान करता है, तब आप बदला लेते हैं किसी न किसी रास्ते से, तब आपको कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए आपको बड़ी खुशी लगती है कि मैंने उसके साथ कैसा करके दिखाया। बाद में क्या हो जाता है? सबसे पहली बात, आप अपने दिल की शांति को खो देते हैं। जो मनुष्य दूसरे का बदला लेता है, उसके दिल में कभी शांति नहीं होती है, वो आत्मा की शांति को खो देता है। और दूसरी बात, जैसा उसने दूसरे का बदला लिया है, बिल्कुल वैसा ही इसके साथ भी हो जाता है। आपने भी किसी को तकलीफ दी होगी, आपने भी किसी को परेशान किया होगा। आपने यदि किसी का बदला लिया है तो आपका भी बदला लिया जाता है, और फिर आप बाद में सोचते हैं, मेरे साथ ये क्यों हो गया। कितने सारे लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़ापन करते हैं, क्योंकि उनके दिल में शांति नहीं होती है। और शांति क्यों नहीं होती है? क्योंकि वे दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, दूसरों का बर्दाश्त नहीं करते हैं, और हमेशा दूसरों का बदला लेने का सोचते रहते हैं, इसलिए दिल में अशांति होती है। यह सारी बातें दुनिया हमें नहीं सिखाती है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा यह ज्ञान हमें मिल जाता है। लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं, वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब जीवन के सच्चाई को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई मनुष्य जवान होता है, बहुत शरीर में ताकत होती है, बड़े अहंकार से बर्ताव करता है, कुछ सालों के बाद बीमार पड़ जाता है। ऐसी भयानक बीमारी उसे आ जाती है कि वो दोबारा उठ नहीं सकता है। मुझे याद है, बहुत साल पहले की बात है, एक
व्यक्ति, जवान व्यक्ति थी, वो शिविर करने के लिए आए थे, निवासी शिविर के लिए। और जब भी उनको लाया गया था तभी उनकी हालत ऐसी थी कि उनके शरीर के एक बाजू में लकवा मारा हुआ था और वो अकेले चल नहीं सकते थे। उनकी औरत और कोई घर के व्यक्ति थे, उनको पकड़कर शिविर के लिए लाए थे। ये भाई ने शिविर में भाग लिया और शिविर के पहले दिन शाम को जब भी प्रार्थना शुरू थी उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया और इनका उनका हाथ जो एक बाजू से लकवा लगा हुआ था, हाथ बिल्कुल हलचल नहीं होती थी, उनका हाथ ऊपर जाने लगा। पहले दिन उनको ये असर हो गया, बाद में दूसरे दिन, तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा उनको असर होने लगा, ये धीरे धीरे अकेले चलने लगे। शिविर के आखिरी दिनों में उन्होंने गवाही दी और गवाही में उन्होंने ऐसा कहा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये लकवे की बीमारी हो गई, क्योंकि मैं बहुत पाप में जीवन बिताया हूँ और ये शिविर में मुझे पता चला कि मैं इसी तरीके से जीते रहता, चलते रहता तो आगे मेरे साथ क्या हो जाता, मेरी आत्मा का हमेशा के लिए विनाश हो जाता। वो वहाँ व्यक्ति मुझे लगता है 40-45 उम्र का था, इतनी जवानी में उनको ये लकवे की बीमारी हो चुकी थी, पर उन्होंने खुद माइक पर से ऐसे कहा कि मैं अभी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बीमारी आ गई, क्योंकि इस बीमारी के कारण मैंने जीवन के ऊपर सोचना शुरू किया। मैं बड़ा अहंकार से भरा हुआ मनुष्य था, मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी और मैं सबों के साथ अहंकार से बर्ताव करता था, मैं बहुत गलत काम भी किया करता था, पर इस बीमारी के आने के बाद मैंने अपने जीवन के ऊपर सोचना शुरू किया। फिर मुझे इस केंद्र की जानकारी मिली, मैं यहाँ शिविर में आ गया और इन शिविर में मुझे सच्ची जानकारी मिल गई कि मुझे बीमारी क्यों हुई थी और अभी मुझे आगे कैसा चलना है, किस तरीके से जीना है, ये मुझे अब पता चला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यदि मुझे ये बीमारी ना आती तो मैं कभी प्रभु के पास नहीं आता, मैं अपने पाप भरी जिंदगी में चलते रहता और मरने के बाद नरक में जाता। इस बीमारी के कारण मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया, बड़ा परिवर्तन आ गया, क्योंकि मैंने सच्चाई को जान लिया और इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सच है। दुनिया के लोग जानते नहीं है बीमारी की वजह क्या है, अपने जीवन के दुख दर्द की वजह क्या है, क्यों हमारे जीवन में डर है, क्यों हमारे जीवन में परेशानी है। हमें जीवन की बातें मालूम होना जरूरी बात है। जीवन की बात नहीं मालूम होने के कारण आज लोगों का जीवन बड़े अंधकार से भर रहा है। अंधकार की शक्ति लोगों के शरीर का भी कब्जा ले रही है और उनके आत्माओं का भी कब्जा ले रही है। यीशु ने लोगों को सिखाना शुरू किया, अर्थात उनको ज्ञान देना शुरू किया, परमेश्वर का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, क्योंकि इस ज्ञान को पाने के बाद ही उनकी आत्मा रोशनी से भर जाएगी। इस ज्ञान को पाने के बाद ही वे सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई को जानने के बाद वे उस दुष्ट शैतान के हाथ से मुक्त हो जाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सच्चाई को जानोगे और ये सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। मनुष्य आज स्वतंत्र नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि हम बड़े स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, हम अपने जीवन के मालिक हैं। कितने सारे लोग बोलते हैं मेरी मर्जी, मेरे पास पैसा है, मेरी इच्छा के अनुसार मैं इस्तेमाल करूंगा, ये मेरा अधिकार है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मैं चलाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, मैं एक आजाद व्यक्ति हूँ। पर आपके लिए भी प्रभु का वचन है, प्रभु ने कहा है कि तुम स्वतंत्र है नहीं, क्योंकि जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम होता है। आप कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, पर आप पाप को ना नहीं बोल सकते हैं। आप कहते हैं मैं एक आजाद व्यक्ति हूँ, पर आप हर दिन शराब पीते ही है, चाहते हैं नहीं पीना तो भी आप शराब का ग्लास उठाते हैं, चाहते हैं नहीं औरत को मारपीट करना तो भी हाथ ऊपर उठ ही जाता है, आप चाहते हैं ये गलत काम नहीं करूंगा तो भी करते हैं। इसका मतलब आप आजाद है नहीं। यीशु ने कहा है जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम होता है, वो पाप का दास होता है। तो लोग कहाँ पर स्वतंत्र है? पूरी दुनिया गुलामी में है। दुनिया का हर मनुष्य जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है,
वो पाप का नौकर है, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि हम आजाद व्यक्ति है, हम स्वतंत्र व्यक्ति है। हम स्वतंत्र तभी हो सकते हैं जब हम सच्चाई को जानेंगे, जब हम सत्य को जानेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसके वचनों को जानना जरूरी है, क्योंकि वो हमारा सच्चा चरवाहा है। दुनिया में रहते हुए हम इस हालत में है, ऐसी हालत में कि हमारा कोई रखवाला नहीं है, हमारा कोई रखवाला नहीं है, ऐसी हालत में है हम है, क्योंकि हमें जीवन की बातें कोई नहीं सिखा रहे हैं, हमें सच्चाई के बारे में कोई नहीं बता रहे हैं। हर जगह जो बातें हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो हमारे दिल में डर को पैदा कर देती है। डर, ये बीमारी आ जाएगी, वो बीमारी आ जाएगी, इससे सावधान रहो, उससे सावधान रहो। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तुम्हें आजाद कर दिया गया है, तुम्हें चंगा कर दिया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु ने तुम्हारे पापों के बदले सजा ली है, तुम्हारे पापों के बदले कोड़े खाए हैं। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। दुनिया का ज्ञान कहता है, इस चीज से सावधान रहो, उस चीज से सावधान रहो, और हम उन चीजों से सावधान होने की कोशिश करते हैं तो भी बीमारी हमको पकड़ लेती है, क्योंकि हम जीवन की बात नहीं जानते हैं, आत्मा की बात नहीं जानते हैं। जीवन की बात, आत्मा की बात यह है कि वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, बस एक से ही डरना चाहिए, जो हमारा नरक में विनाश कर सकता है, उस महान परमेश्वर को हमें डरना चाहिए, और किसी से नहीं डरना चाहिए। किसी कीटाणु से मत डरो, किसी बीमारी के जंतु से मत डरो, किसी प्राणी से या पंछी से मत डरो, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ना ही शैतान से डरो, किसी भूत या दुष्टात्मा से डरो, हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, या शैतान के कोई भी काम से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था, बस एक से ही डरो, एक के लिए अपने दिल में डर रखो, जो मरने के बाद आत्मा का और शरीर का दोनों का विनाश कर सकता है, उस महान परमेश्वर का डर अपने दिल में रखो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को सुनो, ताकि आप जीवन का ज्ञान पाओगे, और जब आप जीवन का ज्ञान पाओगे, आपका जीवन सच्ची शांति से और खुशी से भर जाएगा। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं आएगा, परमेश्वर का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, जब तक आपके पास नहीं आएगा, आप बार बार परेशान होते जाएंगे, बार बार गिरते जाएंगे, बार बार रोते रहेंगे। प्रभु यीशु ने लोगों को इसीलिए ज्ञान दिया, इसीलिए लोगों को सिखाना शुरू किया, ताकि वे सच्चाई को जाने, उनको सच्चाई का पता चले और उनके जीवन में खुशी आ जाए, वे परमेश्वर के नजदीक आ जाए। सच्चाई हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर जाती है, इसीलिए प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ो, उसको सुनो, ताकि सच्चाई को जानकर आप परमेश्वर के करीब आ जाओगे, परमेश्वर के करीब आ जाओगे, और जितने आप परमेश्वर के करीब आ जाओगे, आपका जीवन स्वर्ग की शांति से, स्वर्ग की खुशी से भर जाएगा। आपका शरीर तो ठीक हो ही जाएगा, पर पहली बात और महत्वपूर्ण बात, आपकी आत्मा ठीक हो जाएगी। ये आत्मा स्वर्ग की रोशनी से भर जाएगी और मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कांदीवली से बहन स्नेहा कामत उनकी गवाही बता रही है कि उनकी शादी 11 मई 2018 के दिन हुई, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए ये प्रभु यीशु के पास प्रार्थना कर रही थी और YouTube पर आशीष प्रार्थना घर की ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भाग लेती रही,
जब प्रार्थना के समय सिस्टर ऐसा बताती थी कि जिन चीज़ों पर आपको आशीष चाहिए उन चीज़ों को हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ, प्रभु यीशु इन पर आशीष देगा। उस समय ये बहन विश्वास से अपने पेट पर हाथ रखकर आशीष लेती थी, जिससे प्रभु यीशु की महान दया इस बहन पर हो गई। 1 सितंबर 2021 के दिन प्रभु ने इन्हें सुंदर बेटी देकर आशीषित किया है, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती है। बोईसर से बहन प्रिया नितिन वागदड़े उनकी गवाही बता रही है कि उनके पति का काम 1 महीना बंद था। उसके बाद जब काम शुरू हुआ तब उन्हें ऐसा बताया गया कि हमें काम के लिए कारीगर कम चाहिए, इसलिए उन्हें काम पर नहीं बुलाया गया। जब इस बहन ने विश्वास से आशीष प्रार्थना घर में व्हाट्सएप पर उनकी प्रार्थना विनती लिखकर भेज दी, प्रभु ने इनकी प्रार्थना सुनी और 6 तारीख से इनके पति काम पर जाते हैं, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती है। खार रोड से बहन साक्षी शैलेश पाताड़े उनकी गवाही बता रही है कि अगस्त महीने में उन्हें सर्दी हो गई थी, 1 महीने तक सर्दी थी। ये बहन प्रभु के पास प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना का तेल का इस्तेमाल कर रही थी, वैसे ही ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भाग लेती रही। धीरे धीरे इन्हें अच्छा लगने लगा और इनकी सर्दी की तकलीफ पूरी तरह से निकल गई, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। इसके अलावा इनकी सर्दी की तकलीफ निकल जाने के बाद सर के आधे भाग में दर्द शुरू हो गया, तब उन्हें काफ़ी तकलीफ होती थी, नीचे देखने में भी नहीं जमता था। वो विश्वास से ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भाग ली और प्रार्थना का तेल का इस्तेमाल की। प्रार्थना में प्रभु यीशु की दया से इस बहन का सर का दर्द पूरी तरह से निकल गया, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती है। और अभी हम चंगाई की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले लो। आंखें बंद करो, हम गाना लेंगे। मन करता यीशु गाता रहूं, मन करे
तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करते जाओ, प्रभु का धन्यवाद करते जाओ। प्रभु आपको छू रहा है, छू रहा है अभी। प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है, प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है। दिल से उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और अभी पूरा दिल प्रभु यीशु की ओर लगाओ, दिल से उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो जीवन का प्रभु है, वो बचाने वाला प्रभु है, वो ही मुक्तिदाता है, अनंत जीवन वो ही दे सकता है। संपूर्ण दिल से उस पर विश्वास करो। प्रभु आपको बता रहा है, आपके दिल में जिनके खिलाफ गुस्सा है, नफरत है, बदले के विचार है, उन सबों को क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है, क्षमा करो, क्षमा करो। जिन्होंने आपको सताया है, आपका नुकसान किया है, आपको बर्बाद किया है, ऐसे हर व्यक्ति को क्षमा करो। आपके दिल में खुद के भाई के खिलाफ गुस्सा होगा, बहन के खिलाफ गुस्सा होगा, माँ के खिलाफ, पिताजी के खिलाफ, सास ससुर के खिलाफ, बहू के खिलाफ, दामाद के खिलाफ, कोई भी दोस्त, सहेली, पड़ोसी, रिश्तेदार, किसी के भी खिलाफ गुस्सा होगा, सबको क्षमा करो, सबको क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है, क्षमा करो। यदि आप दूसरों को क्षमा करोगे तो आपके पापों की प्रभु आपको क्षमा करेगा। क्षमा करो। टच, टच। और अभी प्रभु के सामने नम्र बन जाओ और सारे पापों को कबूल करो। आपके जीवन के सारे पापों को प्रभु के सामने कबूल करो। एक छोटे बच्चे के समान नम्र बन जाओ। कबूल करो। जो पाप कबूल करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर दया करता है।
अपने पापों को छिपाना नहीं, अपने आंखों से जो भी गलत देखा है, आपके मन में जो भी गलत विचार आए थे, जबान से जो भी गलत बोल दिया था, झूठ बोला होगा, किसी का मजाक उड़ाया होगा, किसी की निंदा की होगी, व्यर्थ बातें बोली होगी, कबूल करो। चोरी करना, व्यभिचार, हत्या, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार, कबूल करो अपने सारे पाप। कोई गुप्त पाप आपके जीवन में होंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानते हैं, पर वो महान परमेश्वर आपके हर पाप को जानता है, कबूल करो। सारे पाप उस पवित्र परमेश्वर के सामने खोल दो और उससे कहो, हाँ प्रभु, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है, मेरा हर पाप मुझे कबूल है। टच टच, और अभी उन पापों के लिए पश्चाताप करो। जो पाप हमने किए हैं उनके लिए हमें बुरा लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए, आंसू बहाओ, अपने पापों के लिए आंसू बहाओ और रोकर प्रभु से कहो, प्रभु मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ प्रभु, मुझे दुख हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है, मेरे पापों के लिए मुझे बुरा लग रहा है, दिल से पश्चाताप करो। टच टच, और अभी क्षमा मांगो प्रभु के पास, हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है, उसने हमारे लिए उसका पवित्र लहू बहाया है। अपनी आत्मा की आंखों से प्रभु के क्रूस की ओर देखो, दिल की आंखों से प्रभु के क्रूस की ओर देखो, उस पर वो हमारे लिए लटक गया था, हमारे पापों को उसने उठाया, हमारी सजा उसने उठाई, हमारे लिए उसने बलिदान किया, हमारे लिए उसने लहू बहाया, उसका पवित्र लहू आज भी बह रहा है हमारी मुक्ति के लिए, हमारी पाप क्षमा के लिए आज भी उसका लहू बह रहा है। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु को पुकारो और उससे कहो, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे तेरी गोद में ले, मुझे तेरी गोद में ले प्रभु, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को धो डाल प्रभु, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। विपरीत चलता रहा, तेरी जो
और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। जहां आपको बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, बहिरे सुनने लगे, शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, शरीर की सारी जखम नष्ट हो जाए। मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से शिक्षण निकल जाए। जिनमें दुष्टात्माएं हैं उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इस शिक्षण उन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्ज अदा हो जाए,
जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए। जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इस क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीष के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय आप जिन चीज़ों के ऊपर आशीष चाहते हैं, जैसे कि पानी, तेल, रुमाल और किसी भी चीज़ पर आप आशीष चाहते हैं, उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उनके ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। आप में से जो भाई बहन पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान और सामर्थ्य पाना चाहते हैं, आप अपने दोनों हाथों को ऊपर रखो। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप यदि आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे।